हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय SRB के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे महाशिवरात्रि के इतिहास और महत्व के बारे में। वास्तव में महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ होता है शिव की महान रात। महाशिवरात्रि माघ महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यदि हम मौसम की बात करें तो महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष फरवरी या मार्च में मनाया जाता है। यह वही समय होता है जब शरद मौसम अंतिम अवस्था में होता है और बसंत की शुरुआत हो जाती है और इसके बाद गर्मी का मौसम शुरू होता है। अब यदि बात करते हैं महाशिवरात्रि के महत्व की, तो महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के अभिसरण की रात मानी जाती है, यानी प्रेम, शक्ति और एकता का अवतार का प्रतीक है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का त्यौहार शिव और पार्वती के विवाह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के अवसर पर हुआ था। आगे पौराणिक कथाओं में ऐसा उल्लेख है कि यहाँ पर भगवान शिव पुरुष का प्रतीक है जो दिमागीपन है और माँ पार्वती प्रकृति यानी कि नेचर का प्रतीक है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यानी चेतना और ऊर्जा का मिलन का नाम है महाशिवरात्रि, जो सृजन को बढ़ावा देता है, निर्माण को बढ़ावा देता है, निर्माण का संदेश देता है। और यह महाशिवरात्रि जीवन में अंधकार और अज्ञान पर विजय पाने का भी संदेश देता है। अब यदि पूजन की बात करें तो महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को दूध, जल और बेलपत्र समर्पित किया जाता है और रुद्राभिषेक मुख्य रूप से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन यदि भोलेनाथ को सारे पहरों में कोई भी मात्र केवल बेलपत्र समर्पित करता है तो वह सारे पाप से मुक्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के इतिहास की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल। भोलेनाथ की कृपा आप सबों पर बनी रहे।